बिना पलक झपकाए जब तक आंखों से आंसू ना निकले, एक टक किसी चीज को देखना ही त्राटक साधना कहलाता है। ये वही साधना है जिसे महादेव ने कामदेव को भस्म कर दिया था। वो भी त्राटक ही था जब वानर राज बाली ने रावण को हरा दिया था। कालेवन को जब ऋषि मुचकुंद ने जलाकर राख कर दिया था, वो भी इसी साधना से इस्तेमाल किया गया था। वहीं जब गांधारी ने अपने बेटे दुर्योधन को वज्र के समान बनाया था, तो यहाँ पर भी त्राटक की ही मदद ली गई थी। बता दें, ये सभी एग्जाम्पल त्राटक साधना के ही हैं। कहते हैं अगर आप ये मेडिटेशन अच्छे से सीख गए तो कुछ ही महीनों में आप बहुत सी अनोखी चीजें कर सकते हैं और उस रिजल्ट को देखकर आप खुद भी शौक में पड़ जाओगे। इस साधना का यूज हाथ योग, प्रदीपिका और घेरंड संहिता में किया गया। घेरंड संहिता में महर्षि घेरंड ने बताया है कि अगर आपने ये साधना अच्छे से सीख ली तो आप बहुत सी सिद्धियां प्राप्त कर सकते हैं और तो और इंटेंस प्रैक्टिस से दिव्य दृष्टि तक हासिल कर सकते हैं। गलत तरीके से की गई साधना और साधना की वजह से नेचर में किया गया काम आपके ऊपर भारी पड़ सकता है। ऐसा करने से आपके अंदर बहुत सी बीमारियां घर बना लेंगी, जिसके बाद आपको अपनी बैकबोन को एकदम स्ट्रेट, उस बिंदु को बिना पलक झपकाए देखना है। इसलिए इन सभी साधनाओं को सही से करना बहुत जरूरी होता है ताकि आप किसी नेगेटिविटी के चक्कर में ना पड़ जाए। इस साधना की सबसे अच्छी बात यह है कि त्राटक को कुछ लोग छोड़कर बाकी हर कोई सीख सकता है, वो भी सिर्फ 40 दिनों में। जी हाँ, सिर्फ 40 दिनों में प्रैक्टिस से आप इसके साधक बन सकते हैं। अभी बात तो सब जानते हैं कि हमारी पलक अपने आप झपकती है और ये काम उससे कूर्म उप्राण करवाता है। बता दें कि हमारी बॉडी में जो प्राण है उसके 5 पार्ट्स होते हैं, प्राण, अपान, व्यान, समान और उदान। और उन्हीं 5 प्राणों के उप्राण भी होते हैं, जिन्हें नाग, कुम्भ, प्रकल, देवदत्त और धनंजय के नाम से जानते हैं। और हमारी पलकों को झपकने का काम कूर्म उप्राण करता है, जो हम आपको पहले ही बता चुके हैं। अब अगर आप साधना सीखना चाहते हैं तो आपको कूर्म उप्राण पर काबू पाना होगा ताकि आपकी पलकें ना झपकें। अगर आप अपने प्राणों पर राइट्स पाना चाहते हैं तो सबसे जरूरी है कि आपके प्राण प्योर हों, और उससे प्योर करने के लिए आपको प्राणायाम करना होगा। आपको प्राणायाम करने के लिए किसी योग गुरु की हेल्प लेनी चाहिए, या तो आप बाजार से योग की किताब ले सकते हो जिसमें प्राणायाम के बारे में अच्छे से बताया गया हो। लेकिन अगर आप सोच रहे होंगे कि हम तो यहाँ त्राटक के बारे में जानने आए हैं और ये हमें प्राणायाम के बारे में बता रहे हैं, तो मैं आपको साफ तरीके से बता दूं कि प्रैक्टिस के समय इंसान पलक झपकाने को रोकने का काम प्राण के जरिए ही करता है। अगर साधक सही से प्राण को रोक कर प्रैक्टिस करेगा तो उसको जल्दी रिजल्ट देखने को मिलता है। आपने अगर इससे पहले कुछ वीडियोस देखी होंगी तो उसमें यह जरूर बताया जाता है कि इस साधना की शुरुआत किसी दिए या मोमबत्ती के सामने करें। वैसे ये सही भी है, लेकिन स्टार्टिंग में नहीं करें, क्योंकि हर चीज को बेसिक से स्टार्ट करना पड़ता ही है। सबसे पहले आता है बिंदु पर त्राटक की प्रैक्टिस। देखिए, इसके लिए आपको सबसे पहले एक सफेद कागज पर पेंट ब्रश से नीला बिंदु या ब्लू मार्कर से बनाना है। फिर उस पेज को आप दीवार पर लगा दें जो कि जमीन से करीब इतना ऊंचा हो कि आप उससे करीब 1 मीटर दूर बैठकर भी एक टक देख सके। जिसके बाद आपको अपनी बैकबोन को एकदम स्ट्रेट, उस बिंदु को बिना पलक झपकाए देखना है। हाँ, इस बात का जरूर ध्यान रखें कि आप ये साधना जिस कमरे में कर रहे हैं वो खाली होनी चाहिए, बाहर के शोरगुल से एकदम खाली। वहीं कमरे में मध्यम रोशनी, ना ज्यादा अंधेरा रखना है और ना ही बहुत ज्यादा रोशनी। अब आप बिना पलक झपकाए उस बिंदु को देखोगे तो आपकी आंखें जलने लगेगी, लेकिन आपको कुछ भी करके अपनी पलकें नहीं झपकानी। ऐसा करने के कुछ टाइम बाद आंसू भी जाने लगेंगे, लेकिन फिर भी आपको अपनी आंखें खुली ही रखनी है। लेकिन जब तक आपकी सहने की शक्ति है तब तक ही ऐसा करें, जबरदस्ती अगर करेंगे तो शायद उसी समय आपको दिक्कत हो जाए। खैर, मान लीजिए आपने अपनी आंखें 2 मिनट तक खुली रखी, वो भी बिना पलक झपकाए, और आपकी आंखों से पानी गिरने लगा, तो आपको उन्हें करीब 2 मिनट के लिए बंद रखना है और फिर साफ कपड़े से उन्हें पोंछ लेना है। हाँ, भूलकर भी उसे अपनी उंगलियों से छूना नहीं है। साधना करते हुए आपको धीरे धीरे अपनी प्रैक्टिस की टाइमिंग जो है वो बढ़ानी भी है। ऐसा करते करते आपका माइंड स्टिफ हो जाएगा और धीरे धीरे आपको वो नीले बिंदु के आसपास पीले कलर का गोला भी दिखने लगेगा। और ज्यादा समय तक पलक ना झपकाने की वजह से आपको वो पीला रंग हरे में बदलता नजर आएगा, लेकिन ऐसा बहुत ही कम लोगों के साथ होता है। फिर और ज्यादा गहरी साधना से पीले या हरे रंग की बजाय आपको खून जैसा लाल रंग दिखाई देगा। लाल के बाद उसका रंग बदलकर मटमैला दिखाई देने लगेगा।
इसका मतलब यही होगा कि आप त्राटक की तरफ बढ़ रहे हैं। आप चाहे तो ये साधना अपने इष्ट देव की तस्वीर पर बिंदु बनाकर त्राटक की प्रक्रिया भी शुरू कर सकते हैं, या आप ओम शब्द की तस्वीर खरीद कर उस पर यह साधना भी शुरू कर सकते हैं। करना तो वैसे ही होगा जैसा हम आपको पहले ही बता चुके हैं। अब चलते हैं लो त्राटक साधना की तरफ। देखिए, ये आपको शुरुआत में नहीं करना है, क्योंकि जब आप बिंदु त्राटक की साधना अच्छे से सीख जाएंगे तो आपको ये करने में आसानी होगी। यानी अगर आप बिंदु त्राटक करीब एक घंटे तक कर ले रहे हैं तब आप ये लो त्राटक की साधना कर पाएंगे, क्योंकि इसका सीधा असर आपकी आंखों पर पड़ेगा। ये करने के लिए आपको घी का दिया लेना है। वैसे कुछ लोग मोमबत्ती भी ले सकते हैं, तो वो लेना भी गलत नहीं होगा, पर घी का दिया लेना ज्यादा सही रहता है। अब आप जब ये साधना करके जमीन पर बैठेंगे तो आपको अपनी आंख की सीध में ही उतना ऊंचा वो दीपक रखना है। याद रहे कि शुरुआत में कमरे में अंधेरा नहीं होना चाहिए, थोड़ी रोशनी जरूर। लेकिन जब आपकी प्रैक्टिस 15 से 20 मिनट होने लगे तब आप कमरे की लाइट्स ऑफ कर सकते हैं। उस दीपक के लोह के नोक के ऊपर आपको लगातार देखते रहना है। वैसे अगर ऐसा करने से आपकी आंखों में जलन हो रही है तो आप अपनी आंखों में ठंडे पानी के छींटे मार सकते हैं, या फिर ठंडे पानी को मुंह से थोड़ी देर तक रख के बाहर निकाल सकते हैं। ऐसा आप 3 से 4 बार करेंगे तो आंखों को थोड़ा बेहतर भी महसूस होगा। लगातार ये प्रैक्टिस करने से आपकी आंखों में एक अलग सी चमक और शक्ति आ जाएगी। इसके बाद आपको शीशे पर त्राटक साधना करनी है। इसके लिए आपको शीशे के सामने खड़े होकर अपने माथे पर नीले रंग का बिंदु लगाना है और उसे बिना पलक झपकाए कंटिन्यूसली देखते रहना है। ऐसा लगातार करने के बाद आपको शीशे में अपना खुद का चेहरा गायब होता दिखेगा, जिस वजह से आप अलग से नजर आएंगे। लेकिन इससे डरना नहीं है, क्योंकि ये साधना मजबूत दिल वालों के लिए ही बनी है। ऐसा भी हो सकता है कि आपको अपने चेहरे पर स्किन की बजाय सिर्फ हड्डियां दिखाई देंगी, पर आपको डरने की जरूरत नहीं है, क्योंकि शीशा आपको आपकी सच्चाई ही दिखाता है। आपने जहां पर बिंदु बनाई थी वहां पर आपको गुदगुदी होने लगेगी, एयर समय के साथ साथ बढ़ती ही जाती है। कहते हैं दर्पण त्राटक की वजह से इसका असर आपके दिमाग पर पड़ता है। इस एक्सरसाइज से आपका दिमाग बहुत ही तेजी से डेवलप होने लगता है। इतना ही नहीं, सोचने की शक्ति भी आम इंसानों के मुकाबले काफी हद तक बढ़ जाएगी। ये प्रैक्टिस अच्छे से हो जाए तब आप फिर पेड़ पर त्राटक करेंगे। ये बिल्कुल भी आसान नहीं होने वाला, ध्यान रखिएगा, क्योंकि ये अभ्यास करने के लिए आपको कहीं दूर जाना होगा जहां आप एक सुई के गिरने की भी आवाज सुन पा रहे हो। ऐसी जगह आपको ऐसा पेड़ ढूंढना होगा जो ऊपर से नुकीला हो, जैसे क्रिसमस ट्री या अशोक का पेड़। फिर आपको पेड़ से करीब 1 किलोमीटर आसन लगाकर बैठना है और फिर पेड़ की नोक की तरफ एक टक देखते रहना। कुछ ही समय बाद आपको वो नोक पीले रंग की दिखाई देने लगेगी, लेकिन लगातार देखने से उसका रंग बदल कर नीला भी हो जाएगा। वैसे ऐसा करते हुए आपको 1 महीना अगर हो जाए और आपको हर तरफ केवल नीले रंग का धब्बा दिखाई दे रहा है, तो अब आप त्राटक का अगला स्टेप यानी चांद और तारों पर साधना कर सकते हैं। अब पहले हमने आपको बंद कमरे फिर पेड़ की त्राटक साधना के बारे में बताया, लेकिन अब बारी है आसमान की त्राटक साधना के लिए तैयार होने की। इसके लिए आपको खाली जगह देखनी होगी जहां से आप आसमान को साफ देख सकते हैं। आराम से नीचे लेटकर ऐसा स्टार देखें जो सबसे ज्यादा चमक रहा हो, उसी पर अपना ध्यान लगाएं, और ये करते हुए ज्यादा समय नहीं लगाएं, बल्कि 20 से 25 मिनट काफी होते हैं। वैसे आप तारों के साथ साथ चांद पर भी प्रैक्टिस कर सकते हैं, लेकिन चांद पूरा या आधा से ज्यादा होना चाहिए। वैसे ये होना तो बहुत मुश्किल है, इसलिए आप तारों पर ही फोकस करें। ऐसा करने के कुछ समय बाद आपकी आंखों के सामने से तारा गायब होता नजर आए। मान सकते हैं कि उसकी चमक फीकी भी पड़ने लगेगी, क्योंकि आपकी आंखें उससे ज्यादा शक्तिशाली देखने लगेंगी। वहीं चांद के साथ भी ऐसा ही फील होगा। फिर जब आप एक कम चमक वाले तारे को देखोगे तो वही बिल्कुल गायब हो जाएगा। बता दें, यह अभ्यास आगे जाकर शक्तिपात के लिए बहुत काम आता है। फिर सबसे आखिर में त्राटक की प्रैक्टिस आपको सूर्य के ऊपर करनी है। ये साधना बहुत ज्यादा मुश्किल है और खतरनाक भी हो सकती है। इस त्राटक को करने से आपकी आंखों की रोशनी हमेशा हमेशा के लिए जा सकती है। यह आपको आंखों की बीमारी भी हो सकती है, इसलिए बिना किसी गुरु के गाइडेंस के अलावा ये करने से पहले सोच लें। इस प्रैक्टिस को करने से पहले आपको ऐसी जगह ढूंढनी है जहां से आप सूरज को आसानी से एकदम सीध में देख सकते हैं। ध्यान रहे कि सूरज और आपकी आंखों के बीच में कोई पेड़ या घर नहीं होना चाहिए।
ये क्रिया करने का सबसे अच्छा समय सूर्य उदय या फिर सूर्यास्त का समय होता है। यह अभ्यास आपको तभी करना है जब आपने वो सारी त्राटक साधना एक घंटे से ज्यादा करना सीख लिया। वैसे पहले की साधनाओं के बारे में तो हम आपको पहले ही बता चुके हैं, लेकिन अब आपको सूर्य उदय होने पर 20 से 25 मिनट और सूर्यास्त होने के 10 मिनट पहले से ये त्राटक साधना करनी। लेकिन सबसे खास बात तो ये है कि ये साधना करते हुए आप तभी तक सूर्य की तरफ देखें जब तक आपकी क्षमता हो। इसका असर आप पर करीब 1 से 2 साल के बाद दिखने लगता है और आपकी आंखों से हर समय नीले रंग की रोशनी निकलने लगी। देखिए, ऐसा होने पर आपको ऐसा लग सकता है कि आपकी आंखें कमजोर हो गई हैं, लेकिन बता दें कि सारी साधना करने के बाद आपकी आंखें और मजबूत हुई हैं। अब जब आप अपनी ये रोशनी किसी सामने वाले के अंदर डाल देंगे तो सामने वाला आपका गुलाम बन जाएगा और आप जो चाहो उससे करवा सकते हो। वैसे इससे आप कई बीमारियां भी ठीक कर सकते हो। इसके साथ ही आप त्राटक की हेल्प से अपनी बॉडी के चक्रों को जागृत कर सकते हो और तो और इस साधना से आप काली शक्तियों को भी दूर कर सकते हैं। वहीं ऐसा करने के बाद आप मेडिटेशन के हाई लेवल पे पहुंच सकते हैं। तो दोस्तों, आज की वीडियो में फिलहाल बस इतना ही। अगर आप इस बारे में और डिटेल में जानना चाहते हैं तो हमें कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। इसके साथ ही आपको हमारी ये वीडियो कैसी लगी जरूर बताएं, लाइक करें, वीडियो को शेयर करें और पेज को फॉलो जरूर करें।